ये है जी मेरी न्यू कल्टस, न्यू नहीं है, ब्रांड न्यू नहीं है, मेरे लिए न्यू है। और हम आए हुए हैं गांव में, गाड़ी की लुक ज़रा आपको दिखा लूँ बाहर से। बड़ा ढूंढने के बाद मिली है ये गाड़ी। ये देखेंगे अंदर से, मैं जो चीज ढूंढ रहा था ना गाड़ियों में, वो सबसे पहले तो थी कि मैं जो है ना वो रूम गाड़ी का देख रहा था कि रूम साफ होना चाहिए गाड़ी का, और बाहर से भी जेन्युइन होनी चाहिए गाड़ी, ठीक है। तो ये गाड़ी मुझे मिल गई बड़ी अच्छी कंडीशन में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दिलावर कमर, और आज मैं आपके लिए व्लॉग लेके आया हूं। काफ़ी दिनों के बाद हुआ यूँ कि मैंने अपनी गाड़ी जो आल्टो थी मेरे पास, वो ऐसे ही बैठे बिठाए मैंने सेल कर दी, और उसके बाद और गाड़ी ढूंढने में जो टाइम लगा मुझे, इधर उधर घूमना पड़ा गाड़ियाँ ढूँढने के लिए, देखने के लिए, वो बड़ी लंबी कहानी है। एक गाड़ी और देखी, वो थी पाकपतन में, तो वो भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी, वो 12 मॉडल थी और उसकी डिमांड बहुत हाई थी, वो मेरी रेंज से बाहर थी। तो ये गाड़ी जो थी ये 10 मॉडल है, और ये जो है एक तो कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त थी इसकी, और दूसरा इसकी प्राइस जो है वो भी रीज़नेबल है, रीज़नेबल प्राइस में मेरी रेंज के अंदर ही ये गाड़ी मुझे मिल गई। अब मैं बताता हूँ इसके साथ कहानी क्या हुई मेरे साथ, कि इस बंदे के साथ ना मेरा रेट तय हो गया, गाड़ी की डिमांड जो डील है वो फाइनल हो गई। मैंने उसे कहा भाई बयाना लो, जो एडवांस समझ लें, या एक डील होने के जो पेमेंट होती है जिसे बयाना कहते हैं आम जुबान में, मैंने कहा बयाना पकड़ो और गाड़ी मुझे, बल्कि चल के अब पेमेंट पकड़ो और गाड़ी दे दो। कहता नहीं मैं गाड़ी दूंगा सुबह। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बयाना ले लो और सुबह मुझे गाड़ी दे देना। कहता नहीं बयाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसने सुबह मुझे कहा कि फर्स्ट टाइम में आ जाना। सुबह फर्स्ट टाइम में जब मैं गया, मैंने कांटेक्ट किया उसे, कॉल की, वो कहता है नहीं आप ऐसा करो 2 बजे तक जो है ना मुझसे कांटेक्ट करना। 2 से पहले 1 बजे उसकी कॉल आती है और वो कहता है भाई गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी मिलेगी आपको 2 हफ्तों के बाद गाड़ी दूंगा, आप बयाना दे जाएं गाड़ी आपकी हुई। मैंने कहा यार ये तो बात नहीं हुई, मुझे तो गाड़ी की ज़रूरत है, आपको मैं बयाना दे जाऊँ और गाड़ी हो गई मेरी, तो मैं ट्रैवल किस पे करूँ, मुझे तो आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो गाड़ी की ज़रूरत थी इसलिए मैं आपसे डील कर रहा था। तो उसने जो है ना बात नहीं सुनी, सही तरीके से बंद कर दी। मैंने OLX पे एक बार उसे मैसेज किया हुआ था, उसके बाद उस बंदे ने मेरे साथ वहाँ पे चैट शुरू कर दी, मुझे अननोन समझकर, और मेरे साथ डील करना शुरू कर दी। क्योंकि मैं जो उसे पैसे दे रहा था ना, वो उसे बचत नहीं हो रही थी, वही पैसे थे जिनमें उसने ये गाड़ी कभी खरीदी थी। खैर, उसको मैंने वहाँ पर ट्रैप किया और अननोन बन के मैंने भी जो है ना वहाँ पर उससे बात करनी शुरू कर दी। अब वहाँ पे डील होती गई। मैंने उससे पूछा पहला सवाल कि भाई गाड़ी मुझे अगर अभी आपको पेमेंट दूँ तो गाड़ी अभी मिल जाएगी? उसने कहा हाँ जी मिल जाएगी। मैंने थोड़ी देर का पॉज लिया और फिर उसे मैंने मैसेज किया, यार मैं वही हूँ जिसके साथ अब रात डील करने के बाद ना मुकर गए हो, तो आप मुकर जाते हो ये बात अच्छी नहीं है। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया, ये इसका स्क्रीन शॉट भी मैं लगा रहा हूँ, उस बंदे का नाम हाइड करके, कि इस तरह की हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए। यार एक बंदा है, जब आप उसके साथ डील कर बैठते हैं उसके बाद वो बंदा अपनी जो सर्च है, तलाश है, जो उसको भी वो छोड़ देता है। गर्मी काफ़ी है, मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ की गाड़ी में बंद है, तो आप उसके साथ डील करते हैं फिर उस बंदे को आप धोखा देते हैं, तो यार टाइम जो है ना उसका भी वेस्ट होता है, आपका भी वेस्ट होता है। तो मैं उसके पास चला गया, फिर ना उसका एक नेबर मेरा दोस्त था, उसको लेके मैं उसके साथ उसके घर पे चला गया। मैंने कहा यार आपने रात मेरे साथ डील की है लिहाजा ये गाड़ी मुझे दो। उसने कहा नहीं जी मेरी अम्मी नहीं मान रही, वो कहती है गाड़ी नहीं देनी। मैंने कहा भाई आप अम्मी जान को बताएं, वो मेरी भी माँ हैं, उन्हें बताएं कि आपने जो डील की है, जो ज़ुबान दी है उसका क्या है।
चलें वो नहीं मान रही, आपने एक ज़ुबान दी, अब उससे मुकर जाएं बेहतर है या ना मुकरें। मैंने पेमेंट निकाली, पूरी पेमेंट लेके गया था, उसके आगे रखी, मैंने कहा काउंट करो, अम्मी से पूछो। कहता है मैं जाता हूँ अम्मी से पूछता हूँ, तो फिर उसके बाद जरा मैं बताता हूँ। अंदर गया और एक मिनट से भी कम वक्फे में वापस आके कहता है जी अम्मी कहती हैं चलें ज़ुबान दी हुई दे दे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये थी कहानी, मैंने उसे पेमेंट दी और गाड़ी ले ली थी, डॉक्यूमेंट्स सारे ओके थे, डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए और गाड़ी मेरे पास है अब। तो उसके बाद मैंने जो है इस पर ट्रैवल किया है कल और परसों, बल्कि परसों शाम को वहाँ से अहमदपुर आए हैं, तो कल का दिन यहाँ पे थे, आज फिर वापस निकलेंगे। तो गाड़ी का थोड़े बहुत चीज़ें जो थी वो मेंटेन कराने भी वाली, वो भी मैंने मेंटेन करवाई इसमें। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में इस राय का इजहार कीजिएगा, और उस बंदे ने जो मेरे साथ डील करके मुकरा उसकी हरकत कैसी लगी इसका भी ज़रूर कमेंट में इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।